हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड को टॉप स्कूल 50। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है लास्ट पर्सन टू फिट इन दी बस। मीडियम लेवल का हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो टेबल का नाम है वो है क्यू। क्यू नाम का टेबल है जिसमें चार कॉलम है। पर्सन आईडी है, पर्सन नेम है, वेट है और टर्न है। चार हमारे पास कॉलम है। यहाँ पे हमारे पास टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना। इधर देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है। देयर इज अ क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू बोर्ड अ बस। हाउएवर द बस हैज अ वेट लिमिट ऑफ 1000 किलोग्राम, सो देयर मे बी सम पीपल हु कैन नॉट बोर्ड। मतलब बोला है कि एक क्यू है बस के पास, जो है एक क्यू है, मतलब लाइन है, लोगों की लाइन है जो बस में अंदर जाना चाहते हैं। मतलब बस के आगे लोगों की लाइन है जो बस में ऑन बोर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और बस के यहाँ पे हमें जो है कैपेसिटी है, वेट लिमिट है, वो बोल दिया है 1000 किलोग्राम्स है। तो जैसे ही 1000 किलोग्राम्स हो जाएगा, बहुत सारे पीपल ऐसे भी होंगे क्यू में जो हमारे बस में ऑन बोर्ड नहीं कर पाएंगे। वही चीज़ बोला है, देर मे बी सम पीपल हु कैन नॉट बोर्ड। मतलब जैसे ही लिमिट बढ़ गया, लिमिट एक्सीड नहीं करना चाहिए। 1000 किलोग्राम्स का हमारे पास लिमिट है, जैसे ही हो जाएगा वेट, हम लोग जो है अपना बंद कर देंगे और लोगों को अंदर नहीं लेंगे। हमें करने क्या बोला है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड अ पर्सन नेम ऑफ द लास्ट पर्सन डेट कैन फिट ऑन द बस विदाउट एक्सीडिंग द वेट लिमिट। द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सच दैट द फर्स्ट पर्सन डज नॉट एक्सीड द वेट लिमिट। हमें बोला है कि उस लास्ट पर्सन का हमें नेम शो कराना है, लास्ट पर्सन का नेम जो हमारा बस में ऑन बोर्ड करे। मतलब हम बस की कैपेसिटी 1000 किलोग्राम्स है, हम लोग एक एक करके लोगों को अंदर लेंगे, ठीक है। जैसे ही बस का कैपेसिटी 1000 हो जाएगा तो हम लोग रोक देंगे। तो जब हम लोग लास्ट पर्सन को लिए ना, एक एक करके लोगों को ले रहे, जो लास्ट वाला जो बंदा रहेगा उसका हम लोगों को जो है नाम शो कराना है कि वो उसका नाम क्या है जो लास्ट बस में ऑनबोर्ड किया। तो यहाँ पे देखो, इनपुट में हमारे पास क्या है, क्यू नाम का हमारा जो है टेबल है उसमें चार कॉलम, पर्सन आईडी, पर्सन नेम, वेट और टर्न दिया हुआ है। हमारे पास क्या है, टर्न दिया हुआ है, मतलब किस तरीके से लोग लाइन में लगे। जैसे फॉर एग्जांपल एलिस का टर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 है। मतलब सबसे पहले बस में जो क्यू है, सबसे पहले एलिस है, तो बस के अंदर अगर जाने का मौका मिलेगा सबसे पहले एलिस को मिलेगा। सेकंड टर्न है एलेक्स का, मतलब एलिस के बाद सेकंड अगर कोई बस में अंदर जाएगा तो एलेक्स जाएगा। तीसरी बार है जॉन सीना अगर जाएगा, चौथी बार अगर किसी को मौका मिला तो मैरी जाएगा, इस तरीके से है। और वेट हमें सबका दिया हुआ है, 1000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए और लास्ट पर्सन का नेम शो कराना है। तो देखो एलिस जो है उसका वेट है 250, तो 250 है तो ठीक है, वो तो अंदर जा सकता है। उसके बाद है एलेक्स जिसका वेट है 350, तो 250 वाला एलिस तो जा चुका है। जब एलेक्स जाएगा उसका 350 है, तो 250 प्लस 350 हो जाएगा हमारा 600। तो बस जो है हमारा 1000 में से 600 फुल हो चुका है। उसके बाद थर्ड हमारा टर्न है जॉन सीना का, जिसका वेट है हमारा 400। तो 400 क्या है, 600 फुल हो चुका है। जैसे ही जॉन सीना जाएगा वो हो जाएगा बस हमारा 1000 हो जाएगा उसका वेट। तो जैसे ही 1000 हुआ, उसके बाद जो फोर्थ पर्सन हमारा मैरी है उसको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी बस की कैपेसिटी जॉन सीना के जाने से फुल हो गई। तो जॉन सीना क्या है, वही लास्ट पर्सन है जो हमारा बस में लास्ट गया। तो जॉन सीना का हमें नेम शो कराना है, इसीलिए आउटपुट में हमारा जॉन सीना यहाँ पे देखो गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो टर्न है, देखो टर्न आईडी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से टर्न दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो टर्न है इस तरीके से दिया हुआ है, आईडी सबका दिया हुआ है, एलेक्स दिया हुआ है, सॉरी नेम दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल वेट किस तरीके से है, देखो ये 250 का इधर 250 हो गया, 350 प्लस 250 करेंगे क्या हो जाएगा 600, फिर 400 प्लस 600 करेंगे हो जाएगा 1000। तो जैसे ही 1000 हुआ उसके बाद हम लोग क्या करें, मैरी को ले रहे हैं, मैरी का वेट है 200, तो 200 प्लस 1000 करेंगे हो जाएगा 1200। जैसे ही 1200 हुआ यहाँ पे हम लोग बोले कैन नॉट बोर्ड, क्योंकि 1200 जो है हमारा 1000 से एक्सीड कर रहा है। तो जो हमारा जो लास्ट पर्सन हुआ, लास्ट पर्सन टू बोर्ड, वो कौन हुआ, हमारा जॉन सीना हुआ। यही चीज़ हमारे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, हमें क्या लेना है, हमें पर्सन नेम लेना है, पर्सन नेम, ठीक है। तो पर्सन नेम हम लोग ले लिए, किस तरीके से हम लोग ले रहे हैं, फ्रॉम ले लेते हैं अपना टेबल का नाम क्यू, इसको दे देते हैं Q1, और इसमें हम लोग इनर ज्वाइन करते हैं, इनर ज्वाइन, ठीक है, इनर ज्वाइन क्यू से करते हैं, और इस बार इसका नाम दे देते हैं Q2, ठीक है। ऑन, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टर्न दिखाएंगे, मतलब एक के बाद दूसरा जाएगा, मतलब पहला नंबर 1 जाएगा, फिर नंबर 2 जाएगा, फिर नंबर 3 जाएगा, तो एक के बाद इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं Q1.turn होगा जो हमारा, वो कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू Q2.turn, ठीक है। Q1.turn मतलब एक दूसरे से बड़ा होगा, Q1 जो होगा वो एक, मतलब 1 2 3 4 होगा ना, मतलब एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा फिर तीसरा जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू Q2.turn कर देते हैं। इस चीज़ को हमें ग्रुप बाय भी करना है, ग्रुप बाय Q1.turn करते हैं,
देखो ग्रुप बाय Q1 डॉट टर्न क्यों, क्योंकि हम लोग टर्न वाइज ले रहे हैं ना, एक बार में फिर दूसरी बार दूसरा टर्न, तीसरी बार जिसका टर्न है, तो हम लोग ग्रुप बाय क्या कर दिए, Q1 डॉट टर्न कर दिए। अब हमें क्या है, वेट अपना दिखाना है कि इतना ही वेट तक का लोगों को लिया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे हैविंग यहाँ पे सम ऑफ Q2 डॉट वेट, जो हमारा वेट होगा सम ऑफ Q2 डॉट जो हमारा वेट होगा वो क्या होगा, हमारा लेस देन और इक्वल टू 1000 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1000, ये चीज़ होगा। और इस वाले क्वेरी से हम लोग क्या है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसको एक बार रन करके अभी देख लेते हैं, ये क्या करेगा, जो जितने जो सम 1000 वाले हैं वो सबको जो यहाँ पे रिटर्न करेगा, कॉलम नेम पर्सन, अच्छा यहाँ पे Q1 डॉट होगा, Q1 डॉट, अब इसको एक बार जो है रन करके चेक करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग का यहाँ पे जॉन सीना, एलेक्स और एलिस, यहाँ पे तीन नाम जो है हमारा शो हो रहा है। क्यों हो रहा है तीनों नाम शो, क्योंकि देखो सबसे पहले तो हमारा जो बस में है वो एलिस जा रहा है, ठीक है, तो एलिस इस तरीके से आ रहा है, फिर एलेक्स जा रहा है और जॉन सीना जा रहा है, मतलब वो तीनों पर्सन जो बस में हम लोग का जा रहा है वो सारा चीज़ हमारा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इन सब का ऐड करने के बाद जो हमारा ये तीन नाम क्यों हमारा रिटर्न हो रहा है, क्योंकि एक तो पहले हम लोगों ने नेम को सिलेक्ट किया हुआ है और दूसरा हम लोगों ने वेट लिमिट लगा दिया 1000, मतलब इन्हीं तीनों का जो है ऐड करने के बाद जो है वो 1000 तक का आ रहा है, इसलिए तीन नाम शो हो रहा है। बट हमें तीनों नाम नहीं चाहिए, हमें लास्ट वाला नेम चाहिए, किसका, जॉन सीना का। तो हम लोग कर देते हैं ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय हम लोग अगर टर्न करें Q1 डॉट टर्न, ठीक है, लास्ट वाला हमें चाहिए, मतलब पहले 1 2 3 जॉन सीना का नाम चाहिए ना, तो 1 2 3 3 वाला चाहिए, तो ऑर्डर बाय टर्न तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर से करेंगे। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अब क्या होगा, जॉन सीना ऊपर आ जाएगा, बाकी एलेक्स फिर एलिस आएगा, तो तीनों नाम अभी भी आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देंगे 1 से, कि हम लोग एक ही नाम चाहिए, सिर्फ एक नाम चाहिए लास्ट पर्सन का, तो लिमिट 1, मतलब सिर्फ एक रो हमारा जो है वो रिटर्न करेगा। तो ये चीज़ हो गया, इसको रन करके चेक करते हैं, ये हमारा क्या है, अब एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे देखो सिर्फ जॉन सीना का नाम जो हमारा शो हो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं कि सारा टेस्ट केसेस जो है वो पास हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सेप्ट भी हो गया है। तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमें जो है इनर जॉइन लगाया है दोनों टेबल का, क्यू का ही, और एक टेबल का जो टर्न है उसको हम लोगों ने ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि टर्न 1 by 1 आएगा, तो इसलिए एक का टर्न और उसके बाद हमने दूसरे का टर्न लग दिया, और ग्रुप बाय भी, ग्रुपिंग भी कर दिया Q1 डॉट टर्न से। ठीक है, और इसके बाद हमने अपना वो लगा दिया वेट का लिमिट। तो क्या हो रहा है, अगर ये ऑर्डर बाय अगर हम लोग नहीं लगा रहे लिमिट वाला, तो तीनों नाम शो हो रहा है, हमें सिर्फ लास्ट वाला नाम चाहिए, तो हमने लिमिट लगा दिया 1 से। ठीक है, तो यही चीज़ था। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।